तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। क्लास आज थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरी ये मैथमेटिक्स है। क्योंकि हम जब पढ़ते थे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, उससे भी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन थोड़ा सा हेडेक था, और ये हेडेक मैं दोबारा आपको देने जा रहा हूँ। तो हम पहले बात करते हैं कि एक शीट पे या एक सेल पे डेट को टाइप कैसे करेंगे, क्योंकि सर डेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, समझे। जैसे कि जनरली हम लोगों का जो सिस्टम डिफॉल्ट मोड होता है, यूएस मोड होता है MMDBYY, लेकिन कुछ लोग इंस्टॉल करते समय चेंज कर लेते हैं DMY कर देते हैं। तो आपको अगर लिखना है मेरी सिस्टम क्या है, MMDBYY है, तो मैं लिखूंगा मंथ, नौवां महीना और 25 तारीख। अगर डेट अगर करेंट है, करेंट ईयर का है, तो आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस का है तो फिर आपको ईयर लिखना पड़े, प्रीवियस या फ्यूचर है तो लिखना पड़े, डेट आ जाता है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने 12 दिसंबर, 1 दिसंबर रखा है मैंने यहाँ पे, 1 दिसंबर रखा है, तो मेरा सिस्टम क्या है, मेरा सिस्टम है MMDBYY। मैं पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। अगर मान लीजिए संदीप जी आपकी पीसी अगर MMDBYY नहीं हुआ, DDMMYY हुआ, तो क्या होगा, आपके सिस्टम पे ये जो डेट है, ये डेट 1 दिसंबर नहीं रहेगा, ये डेट क्या हो जाएगा, 12 जनवरी। क्योंकि तो मेरा जो डेट है वो आपका मंथ बन जाएगा, और मेरा जो मंथ है वो आपका डेट बन जाएगा। तो इससे निपटने के लिए क्या करें, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मल्टी गलती में डेट भेज रहे हैं और कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे हम डेट के अंदर में 2019 कॉमा मंथ में मान लीजिए मैं डाल देता हूं 11 12 कॉमा 1 फुट डे, तो डेट आपके सामने आ, ठीक है। अब ये किसी सिस्टम डेट पे जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई डेट, अच्छा आज का डेट डाला, मुझे इसको कैसे करें, क्योंकि तो डेट डल चुकी है ना, ये तो हम टाइप कर रहे हैं तो उस समय कर लेंगे, लेकिन जो डेट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसमें क्या करूँ। तो हमारे पास का फॉर्मूला होता है जो कि ईयर ईयर को लेता है, और हमारे पास एक मंथ का फॉर्मूला होता है जो कि मंथ इसमें से अलग करता है, और एक डे का फॉर्मूला होता है। जो कि इसमें से डे को अलग करता सर एक बारी मंथ वाले फॉर्मूला पे जाइए सर, सी वाले सेल में। सर इसमें आपने मंथ सेलेक्ट करा और सर वो कॉलम सेलेक्ट कर दिए जहाँ से हमें मंथ है। चाहिए। डेट सही होता है। ओके सर, एक मेरा इस पे ना मतलब इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि सर मैं अभी एक किसी ऐसे किसी उस पर काम कर रहा था, तो इसमें सर हमारा जो फॉर्मेट है मतलब जो ये सर एक बारी ए वाले सेल में आइए सर, ए वाले A6। तो सर इसमें हमारा जो डेट है वो हमेशा MMDDYY के फॉर्मेट में होनी चाहिए तभी ये मंथ पिक करेगा। नहीं, नहीं समझे, आपका सिस्टम में जो भी फॉर्मेट हो उसका जो मंथ होगा पिक करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि फॉर्मेट कौन सा है, वो तो डेट उठाएगा ना सर, डेट का मंथ उठाएगा। ठीक है सर, मैं ठीक इससे रिलेटेड आपसे एक अगली क्लास में प्रॉब्लम पूछूंगा तो आप मेरे को बता है, दीजिए। जब अपनी प्रॉब्लम मेल मेल कर दीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2019 यहाँ पे 9 आ गया। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको आपस कंबाइन भी तो करना है, तो डेट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से ईयर को लेते हैं, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, ईयर मंथ डे, ठीक है।
ये आपका यहाँ पे कंबाइन हो गया। ओके सर, अब चलिए हम इसमें कुछ करेंट सिस्टम डेट चाहिए आपको तो टुडे का फॉर्मूला है। ये क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, जो भी आपका सिस्टम होगा उसका जो डेट होगा वो डेट यहाँ शो करेगा। अब मुझे इसमें मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं, जो भी डेट है उसमें 20 दिन जोड़ने हैं, तो उसके लिए सिंपल आप इस पे प्लस कर दीजिए 20, ये ऐड हो जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन मुझे डेट में मान लीजिए 3 महीना जोड़ना है, तो ऐसा इसमें नहीं है कि आप 3 × 90 कर दे और ऐड कर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके हम लगाएंगे हम ई डेट का, ई डेट सेलेक्ट करेंगे और मंथ में 3 कर देंगे। इसका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, कंट्रोल सी एज इट इज आ गया। अगर माइनस करने हैं तो 3 प्लस है उसको माइनस भी कीजिए तो माइनस। लेकिन मुझे एक डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करना है, 2 साल 4 महीने और 22, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इस मेथड पे चलेंगे, मेथड है ना आपके, पहले हम स्प्लिट करेंगे और फिर कंबाइन करेंगे। तो डेट फॉर्मूले के अंदर हमने ईयर का फॉर्मूला लिया, ईयर का फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से 2019 को अलग कर देगा, क्या 2019 में 2 जोड़ दिया मैंने। फिर हम सेम मंथ का फॉर्मूला लगाया और इसमें से हमने मंथ अलग किया, इसमें से कितना अलग कर देगा, 9 अलग करेगा, इसमें से हमने इसमें 4 ऐड कर दिया और फिर यहां हमने बोला डे, ठीक है। और इसमें से डे अलग किया और इस डे में हमने प्लस कर दिया 20। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि इसने 9 + 4 किया तो 13 हुआ। तो आप इस चीज का डिस्कस करते हैं, जब हम मैनुअल करते थे, मैनुअल जब हमारा ये होता था, जब मैनुअल जब हम कैलकुलेट करते थे, क्या करते थे, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 7वां महीना और 2000, ठीक है, अब मुझे इसमें 6 महीने और 24 दिन ऐड कर, ठीक है। तो हम ऐड कहां से करना शुरू करेंगे, डेट से। तो यहां पे मुझे मेरी तारीख है कि 20 जुलाई 2019 में 24 दिन 6 महीने और 2 साल ऐड करना है, तो एग्जैक्ट डेट कौन सा पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 20 और 24 कितना होगा, 44 होगा, 44 में से हम जो है ये आपका 7 जो 31वां महीना है ना जुलाई, 31 20 और 24 को जोड़ा तो 44 हुआ, 7वां महीना 21 दिन का होता है, इसलिए 44 में से 21 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा 13 तारीख। अब 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा,
इसमें से हमने 31 दिन हटाया था, 31 दिन इक्वल टू वन मंथ, एक 14 हो गया। अब 14 तो यहाँ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 14 महीना तो 12 ही होता है, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बचेगा सर। जी सर, यहाँ पे हो जाएगा 2। और 2019 और 2 कितना हुआ, 2021। और इसमें का देख, एक हमारा ईयर है, एक साल 12 महीना इक्वल टू एक साल, ये क्या हो गया 2022। ठीक है, तो सेम एम पे हुआ कि अगर आपका महीना, अगर महीना दिन में जोड़ा जाए और दिन वो आपके महीने से एक्स्ट्रा जाता है तो वो महीने में वो एक प्लस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है 22 और 25 ऐड हुआ और ये महीना हमारा 31 का आया, तो 31 दिन घटा दिया गया और जो दिन बचा वो दिन यहाँ, और फिर जो 31 दिन था इक्वल टू ऑल वन महीना वो मंथ में इंक्लूड हो गया। ठीक है, और लेकिन मंथ से 9, 4, 13 हो गया, 1, 14 हो गया, तो उसमें से एक, उसमें से क्या हुआ 12 को घटाया, क्योंकि 14 महीने नहीं हो सकता, तो 2 महीना हुआ और जो 12 महीने था वो साल बन गया। तो यही तरह से होता है कि इसमें का हासिल इसमें जाता है, इसमें का हासिल इसमें जाता है, तो सेम यहां भी हो रहा है। सर यहां भी आपके यही आ रहा है कि 16 फरवरी 2022। ठीक है, ठीक। तो हम एडिशन जान लिए, अब सब्ट्रैक्शन जानते हैं। अब दो डेट है हमारा कि 25 तारीख और यहां पे हमारे मान लीजिए एक, यहां पे 1 जनवरी 2019 और आज के रेट है, उन दोनों के बीच में माइनस कर। तो मैथमेटिकल माइनस करने आता है सर आपको? वो तो सिंपल हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। नहीं, मैं जब नोट पैड में करना हुआ तो ऐसे, मैं आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे देख रहा हूँ सर, इससे पहले से सिखाया था आपको। लेटेस्ट डेट ऊपर होता है, हाँ लेटेस्ट डेट ऊपर होता है, 9/25/2019 तो कितना रिजल्ट आएगा। तो हमने डेट में यहां से शुरू किया था ना, आई थिंक ईयर में इधर से शुरू होता है 0 और ये 9 और 1 8 और 8 हो गया और 25 और 1 14। यहाँ पे आपका 24 दिन, 8 महीने 24 दिन आएगा, इस तरह से होता है 8 महीने 24 दिन। अगर साल बड़ा होगा तो साल भी इस तरह से घटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट कर देते हैं, क्यों? इसका रीजन ये है कि एक्सेल डेट को कैरी नहीं करता है, इसको कैरी करता है नंबर, नंबर। तो नॉर्मली नंबर में से नंबर माइनस हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है डेज का, डेज फॉर्मूला, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करते हैं तो आ जाता है। लेकिन इसमें कई सारे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेज 360 है, अब डेज 360 क्या करता है, तो जैसे कि हमने इसको घटाया तो साल को, साल का 365 दिन लिया, लेकिन जब इसको घटाया तो साल के 360 दिन लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 360 दिन का होता है, आपको जो ब्याज वगैरह मिलते हैं वो 360 दिन के मिलते हैं, चाहे लगते हैं जो 60 दिन के लगते हैं, 5 दिन फाइनेंशियल ईयर के बही खाता मेंटेनेंस लेजर वगैरह बनाने के लिए रखा गया है, उस दिन नॉन प्रोडक्टिविटी वर्क होता है। ठीक है,
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसके बीच में नेटवर्क डेट चाहिए, मतलब कि कितने दिन वर्किंग है, सैटरडे संडे, या फिर मान लीजिए एथ कॉलम में हमारे पास हॉलीडे लिस्ट है, जैसे कि 26 जनवरी का छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, 17 मार्च का छुट्टी, ऐसे छुट्टियों की लिस्ट दे दे। अब जोड़ी की छुट्टी इन दोनों के बीच का ही हो, पूरा लिस्ट डाल दे, वो अपने आप बीच से उठा लेगा। तो उसलिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, नेटवर्क डेट, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट और हॉलीडे लिस्ट। ये बताएगा कि सैटरडे एंड संडे को छुड़ाने के बाद 141 दिन है, ठीक है सर। लेकिन हमारी कंपनी सैटरडे संडे बंद नहीं होती, हमारी कंपनी का एक डेट अपना खुद का कैलेंडर उस हिसाब से बंद होती है। तो उसके लिए या फिर हमारे सर सिर्फ संडे संडे बंद होती है, तो नेटवर्क डेट्स डॉट INTL को हम इंटरनेशनल कहते हैं। इसमें आप स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट और फिर इसमें अपना वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका वीकेंड कौन सा है। जैसे मैं संडे वीकेंड है, संडे का सीरियल नंबर 11 है, मैं इसको टैब से सिलेक्ट करूं या मैनुअली 11 लिख दूं, और उसके बाद तो 228 दिन होगा सिर्फ संडे संडे हटाए जाए तो नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज INTL दोनों समझ में आ गया संदीप जी आपको। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमने एक बैंक को एक सर्विस रिक्वेस्ट दिया, बैंक ने बोला कि 15 डेज बाद आपका हो जाएगा, तो 15 वर्किंग डे, नॉट 15 डेज, 15 वर्किंग डे, तो आफ्टर 15 वर्किंग डेज कौन सा डेट पड़ेगा और डेट चाहिए जब कंपनी हमारी सैटरडे संडे बंद होती है और इस हॉलीडे पे बंद है। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला वर्क डे का, वर्क डे, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड हॉलीडे, क्या आपका डेट आ गया, ठीक है सर। क्या नाम है, सैटरडे संडे मतलब काउंट नहीं करते वर्क डे में, क्या बोल रहे हैं इसमें, सैटरडे संडे काउंट नहीं करते वर्क डे वाला जो, नहीं सैटरडे संडे आप नहीं करता। अगर आपको सैटरडे के अलावा कोई और काउंट कराना है तो वर्क डे की जगह पे वर्क डे डॉट INT लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डे और यहाँ पे आपको हॉलीडे लिस्ट है, क्या चाहिए, संडे चाहिए, संडे, ठीक है सर। क्लियर संदीप जी? जी सर। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई तारीख यहां लिखता हूं, इस डेट के मुझे आखिरी तारीख चाहिए, क्योंकि तो आखिरी तारीख हर बार अलग अलग होता है ना सर, ठीक है। तो इसके लिए ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है, ईओ मंथ, इसको सिलेक्ट किया कॉमा और हमने यहां पे यहां पे हमने जीरो कर दिया, जीरो मतलब सेम महीना, तो जो डेट डालोगे उसी डेट की महीना दिख जाएगा सर, सितंबर तीसरा नहीं होता, आज जुलाई तक होता, ठीक है। अब जो डेट डालेंगे, अब मान लीजिए फरवरी का डेट डाल दिया तो 28 दिन, या लीप ईयर है, जैसे मान लीजिए 16 लीप ईयर था ना हमारा, तो 29 आ गया। फिर लास्ट में जीरो नहीं लगाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं, लास्ट में जीरो लगाना देना है सर, क्योंकि मंथ देख रहे बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए ये रिक्वायर्ड है। जीरो मतलब कि उसी महीने का देगा आपको, अगर मैं इसको -1 कर दिया तो उससे प्रीवियस महीने का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे +1 किया तो उसके अगले महीने का, या +1 के जगह पे या -1 के जगह पे 3-4 प्लस माइनस पे लिख दूं तो वो उसके अगले महीने का पिछले महीने का दिखाएगा। जितना नंबर डालेंगे उतना मंथ स्कीप करना होता है,
समझे सर? वैसे मान लीजिए ना कि मैं अपना यहाँ आज करेंट सिस्टम डेट डाल दिया या टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, अब मुझे इस टुडे के फॉर्मूला से इस महीने का स्टार्ट डेट और इस महीने का एंड डेट पता है, ठीक है? एक करेंट सिस्टम डेट से इसको क्या करेंगे, हम ईओ मंथ लगाएंगे, ईओ मंथ इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉमा जीरो। अब जीरो देंगे तो उसी महीने की लास्ट डेट आ जाएगी ना, लेकिन हाँ जी, इसी में अगर मैं -1 दूंगा तो क्या आएगा, इस महीने की इस महीने की प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट। लेकिन मुझे तो चाहिए इस महीने की फर्स्ट डेट, तो प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट +1 इक्वल टू फर्स्ट डेट ऑफ दिस मंथ क्या? जी अगर 31 अगस्त में +1 करूंगा तो मुझे इसी महीने की दिखेगी ना क्या सर? फिर ईओ मंथ में इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा जीरो करते हैं तो मुझे इस महीने की एंड डेट पता चल जाएगा। ऐसे आपको क्वार्टर चाहिए, इस महीने के क्वार्टर का स्टार्ट एंड डेट आ जाए तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं क्वार्टर दिक्कत है, नहीं क्वार्टर में दिक्कत है सर, नहीं क्वार्टर अलग तरीके से होगा, क्योंकि क्वार्टर में 3 है ना सर, कैसे पता चलेगा कौन सा क्वार्टर चल रहा है इसका, तो उसका अलग तरीका है, मैं आपको आगे बताऊंगा रिपोर्ट ऑटोमेशन, ठीक है? लेकिन हाँ क्वार्टर निकल सकता है, अगर आप यहाँ पे 1 तारीख देते हो, 1 जनवरी क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट डालते हो, हर क्वार्टर का फर्स्ट डेट डालते हो तो फर्स्ट डेट तो यही रहेगा, और इको मंथ में आप जो है यहाँ दे सकते हैं कॉमा 3, अगले क्वार्टर के लास्ट 30 अप्रैल। लेकिन मैं कोई भी डेट डालू उस क्वार्टर का स्टार्ट एंड दे दे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और सही बात फॉर्मूला है जो सीखना है। पड़ेगा। टू डालना चाहिए था ना सर, क्योंकि क्वार्टर एंड तो 1 जनवरी वाला, 31 मार्च को होगा। हाँ, 2 डालना चाहिए था, माफ कीजिएगा, 0 से काउंट स्टार्ट होगा ना इसका, ठीक है? अब डिफरेंस की बात आती है तो मुझे डिफरेंस इन द परसेंटेज चाहिए, मतलब कि 1 तारीख से लेके आज की डेट, मैं जानना चाहता हूं कि साल का कितना परसेंट यूज हो चुका है, मतलब कि मैंने 1 साल के लिए 5 लाख की बिलिंग मांगी थी बट मैं काम आज खत्म कर रहा हूं तो आज तो 5 लाख की बिलिंग तो नहीं कर सकता ना, तो कितना परसेंट मैं काम कर चुका हूं, मैं साल का कितना परसेंट हो चुका है, तो उसके लिए आता है हमारे पास फॉर्मूला ईयर वैकेंसी का, ठीक है? और इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और एंटर करते हैं, ये आपका 73% हमारा साल यूज हो चुका है, ठीक है सर? ठीक उसी तरह से अगर मान लो कि मैंने टेक्स्ट में कोई टाइमिंग डाल दी है, डेट डाल दी है, तो विश्व में होता इस तरह से मुझे इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम टाइम वैल्यू देंगे, सॉरी डेट वैल्यू, डेट वैल्यू, तो ये हमारा डेट में कन्वर्ट। अब जैसे कि अब डिफरेंस हमने निकाला तो सारा डिफरेंस इन द ईयर निकला, लेकिन मुझे डिफरेंस इन द महीना निकालना है, समझे? या साल निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेटेड इफ का, डेटेड इफ होता है डेट DIF पर डेट डिफरेंस होता है, तो इसमें हमने ब्रैकेट ओपन किया स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और डिफरेंस चाहिए इन द मंथ तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने एन कर दिया तो ये 8 महीना दिखा दिया। हमारे किसी का डेट ऑफ बर्थ, वहां डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ,
किसी की डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 2004 और आज इसका डेट ये रहा, तो मुझे इसकी एज चाहिए कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है एग्जैक्ट, क्यों कितने साल कितने महीने और कितने दिन का है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेट डी आई एफ, डेट डी आई एफ। हमने पहले बार डेट को सिलेक्ट किया, दूसरे बार डेट को सिलेक्ट किया, मैंने डेट ऑफ बर्थ और करेंट डेट दोनों को सब सिलेक्ट किया वन बाय वन, और उसके बाद मुझे ईयर में चाहिए तो हमने वाई दे दिया, तो उन दोनों के बीच में 15 साल का ईयर हुआ, 15 साल हुआ। और फिर हमने यहाँ पे डेट डी आई एफ किया और हमने बोला स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। फिर इसको हमने क्या यहाँ पे किया, अगर मैं यहाँ पे एम कर दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम मार दिया, तो क्या होगा एज इन मंथ, समझ गए। देखिए मुझे एज चाहिए जो 15 साल के बाद बचता है उतने कितने वो महीना चाहिए, तो मैं वहां पे वाई एम लिखूंगा, तो वाई को इग्नोर करेगा और एम को शो करेगा, तो 4 महीने। और ऐसे ही हम डेट डी आई एफ और हमने सिलेक्ट किया स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें हमने दे दिया सर 2 मिनट के लिए, एक बारी आप सर होल्ड कर लीजिए सर, कोई आया है गेट पे, सर 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट ठीक है सर, 2 मिनट वेट करते हैं।